टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आपको टाइटल से पता चल ही गया है कि आज की हमारी वीडियो होने वाली है मीशो विंटर वेयर हॉल। मैं पहले भी मीशो विंटर वेयर हॉल पे एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर वो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं फ्यूचर में कभी भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हम हमारी वीडियो स्टार्ट करेंगे इस प्यारे से स्वेटशर्ट से, जो कि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ही सस्ता है। डार्क ग्रीन कलर का बहुत ही ज्यादा प्यारा सॉफ्ट सा है और इसके आगे ये प्रिंट दिया हुआ है, इसके आगे ये प्यारा सा प्रिंट है और अंदर से इसका मटेरियल कुछ ऐसा है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और वार्म है ये, और इसे मटेरियल कुछ ऐसा है। स्लीव की साइड से भी सेम मटेरियल है इसका, प्यारा सा सॉफ्ट सा मटेरियल है बहुत, और ये पहनने पे बहुत ही ज्यादा वार्म और कंफर्टेबल है। और ये और भी कलर में अवेलेबल है, मैं यहाँ पे आपको सारे कलर ऑप्शंस जो भी अवेलेबल है वहाँ पे दे दूंगी, और ये अलग अलग प्रिंट्स में भी अवेलेबल है। इसको मैंने एक्सेल साइज में मंगवाया है और इसका प्राइस मैं आपको यहीं कहीं दे दूंगी। और इन सब के कोड, जो जो प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ इन सब के कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आए तो आप वहाँ से वो जाके देख सकते हैं और खरीद सकते हैं। चलते हैं हमारे सेकेंड आइटम पे, जो कि है ये वर्सिटी जैकेट। इस सारी वर्सिटी जैकेट बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है, जिसे देखो वो सिर्फ वर्सिटी जैकेट ही कर रहा है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मंगा के देखी जाए ये वर्सिटी जैकेट। तो ये रही हमारी वर्सिटी जैकेट, तो मैंने ब्लैक कलर में मंगवाया है, इसकी स्लीव्स वाइट है और ये अंदर से इसका मटेरियल कुछ ऐसा है, सॉफ्ट सा मटेरियल है, सेम एज इसके जैसा, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल है। उसके स्लीव्स पे भी सेम मटेरियल यूज किया हुआ है, अंदर से सेम सॉफ्ट सा है और पीछे, और इसमें बिल्कुल भी कोई भी प्रिंट नहीं है, पूरा प्लेन है। यहाँ पे आपको पॉकेट मिल जाएगी, साइड में दो पॉकेट्स मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको ये बटन मिल जाएंगे, आगे आपको इस टाइप के बटन मिल जाएंगे और ये पहनने पे कुछ ऐसी लग रही है। इस जैकेट का प्राइस है 356 रुपीज। 356 रुपीज में इस अकॉर्डिंग टू प्राइस इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। 356 रुपीज में आपको ये बहुत अच्छी जैकेट मिल रही है, इसका कपड़ा भी बहुत मोटा सा है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बहुत पतली सी जैकेट दे दी आपको, नहीं, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी और कंफर्टेबल है सिर्फ 356 रुपीज में भी है, उसी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है अकॉर्डिंग टू प्राइस। वीमेंस का कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपको ये पसंद आया तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। और ये विंटर में वार्म रखिए, कि ऐसा नहीं है कि बहुत हल्की है आपको ठंड वंड लगेगी, नहीं, बहुत ज्यादा अच्छी और कंफर्टेबल है। सो अब चलते हैं हमारे इस थर्ड नंबर के आइटम पे, जो ये नाइट ड्रेस है, विंटर नाइट ड्रेस, और ये बहुत ही ज्यादा प्यारा कलर है इसका। ये रहा हमारा नाइट ड्रेस, ये देख सकते हैं आप इसका मटेरियल कितना ज्यादा सॉफ्ट सा है, फर वाला मटेरियल है इसका, बहुत सॉफ्ट सा मटेरियल है इसका। और ये मैंने मंगवाया है एक्सल साइज में, जो कि अंदर से भी सेम मटेरियल है इसका, सॉफ्ट सा, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, कोजी और कंफर्टेबल है पहनने पर। और यहाँ पे आपको इलास्टिक मिल जाएगी और इसके एंड पे भी इलास्टिक है और फुल स्लीव्स में है ये, आगे से इसका लुक ऐसा है, पीछे से भी पूरा प्लेन है ये। और इसके साथ आपको ये नीचे मिलेगा बॉटम वेयर, जो सेम कपड़े में है, इसका कपड़ा भी पूरा सेम है, अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट सा मटेरियल है इसका, और इसका इलास्टिक भी काफी अच्छी है और आपको बॉटम पे भी इलास्टिक मिल जाएगी। और ये पहनने पे कुछ ऐसा लग रहा है। और इस नाइट ड्रेस का प्राइस है 590 रुपीज। 590 रुपीज के हिसाब से ये काफी ज्यादा अच्छा मटेरियल है इसका, अकॉर्डिंग टू प्राइस इसका मटेरियल बहुत ज्यादा अच्छा है, और ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा सस्ता और ये कपड़ा है इसका, नहीं, इसका मटेरियल बहुत ज्यादा अच्छा है और ये पहनने पे भी बहुत कंफर्टेबल, कोजी है, नाइट वेयर के हिसाब से ये बेस्ट है।
अब चलते हैं हमारे लास्ट आइटम पे जो कि है ये ओवरकोट। ये ओवरकोट इस कलर ओवरकोट है लाइट ब्राउन कलर का। ये फुल स्लीव्स है इसकी और ये ज्यादा हैवी नहीं है, बहुत ज्यादा विंटर से आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। और इसका प्राइस है 950 रुपीज। मुझे लगा था ये थोड़ा सा तो इसके अंदर का कपड़ा भी, इसके अंदर का मटेरियल भी मुझे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा। ये देखिए इसका अंदर का मटेरियल कुछ ऐसा है और ये ज्यादा बहुत ही ज्यादा हैवी नहीं है। ये आपको बहुत ज्यादा ठंड से प्रोटेक्ट नहीं करेगा, हल्की फुल्की ठंड के लिए ये बेस्ट है। और इसके आगे से ये ऐसा है और यहाँ पे आपको साइड में पॉकेट दी हुई है, आपको दोनों साइड में पॉकेट्स मिल जाएंगी। और आगे आपको ये बटन्स दिए हुए हैं और इसका आगे इस टाइप का कुछ मटेरियल है, इस टाइप की डिजाइन है इसके आगे। और ये पूरे ओवरकोट में यही डिजाइन है और ये पहनने पे कुछ ऐसा लग रहा है। आप इसे कहीं भी थोड़ी हल्की फुल्की ठंड में कहीं भी पहन के जा सकते हैं। और बहुत ज्यादा ज्यादा ठंड के लिए आप इसे सोच रहे हैं लेने का तो बिल्कुल भी मत लेना, ये बहुत पतला है। हल्की फुल्की ठंड के लिए आप इसे ले सकते हैं। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आया हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप अपने रिकमेंडेशन भी मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, मैं उस टॉपिक पे बना दूंगी। और इन सब का कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और ये मेरा मीशो विंटरवेयर पार्ट 2 है। आपने पहली वाली वीडियो को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा प्यार दिया, तो आई होप आप इस वीडियो को भी उतना ही ज्यादा सपोर्ट करें और प्यार दें। सो तब तक के लिए बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।